यीशु नाम सत्संग के सब परिवारों को, सब लोगों को जय मसीह की। आज हम गुड फ्राइडे पवित्र शुक्रवार की सभा को ऑनलाइन हम सब लोग मिल के मना रहे हैं, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने अपने घरों में से आज जो पूरे विश्वीय कलीसिया के लिए जो दिन है, हम उसको मिल करके मनाएं। जब पूरे संसार की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु बलिदान के लिए धन्यवाद देती है और प्रभु यीशु के मृत्यु पर जब मनन चिंतन करती है, तो हम भी करना चाहते हैं। भले हम एक स्थान पर प्रभु के भवन में मिल नहीं सकते, लेकिन हम अपने अपने घरों में से इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के सम्मान में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के आदर में और भक्ति के साथ हम सब इसमें भाग लेना चाहते हैं। हम सब इस समय कुछ गीतों को गाएंगे, जिन गीतों के जरिए से हम प्रभु यीशु मसीह के लहू और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मनन चिंतन करना चाहते हैं। मैं विनती करता हूँ कि भाई प्रखर और श्वेता ये दोनों कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम गीतों के जरिए से परमेश्वर की आराधना करेंगे। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और 7वां पद, उसकी बलिदानी मृत्यु के द्वारा अब हम अपने पापों से छुटकारे का आनंद ले रहे हैं। उसके संपन्न अनुग्रह के कारण हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है अपने उसी प्रेम के अनुसार, जिसे वह मसीह के द्वारा हम पर प्रकट करना चाहता था। इफिसियों की किताब उसका दूसरा अध्याय और 13वां पद, किंतु अब तुम्हें जो कभी परमेश्वर से बहुत दूर थे, मसीह के बलिदान के द्वारा मसीह यीशु में तुम्हारी स्थिति के कारण परमेश्वर के निकट ले आया गया है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7वां वचन, परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम एक प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु, हम आज के दिन यीशु नाम सत्संग कलीसिया के सब लोग, प्रभु अपने अपने परिवारों में, प्रभु एक मन होकर हम आपके सामने आते हैं। परमेश्वर, हम एक जगह पर एकत्रित तो नहीं हैं प्रभु, लेकिन हम एक आत्मा में बंधे हुए हैं। और परमेश्वर, इस समय हम सचमुच अपना ध्यान आपके बलिदान पे लगाना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके लहू के लिए और आपके क्रूस के लिए, प्रभु जिस पर आज हम इन गीतों के जरिए चिंतन करना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप महान हैं और आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु, आपके बलिदान के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समय, प्रभु जब आपके आराधना के गीत प्रभु अलग अलग घरों में इस पूरे प्रभु गुड़गांव शहर में गाए जाते हैं, प्रभु सचमुच ये गीत आप तक पहुँच जाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के हरेक परिवार में प्रभु आपकी आशीष पहुँचे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक परिवार में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की अगुवाई इस समय कार्य करने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन की बाहर से प्रभु कोई भी ऐसी रुकावट की चीज आपके लोगों को परेशान न करने पाए। प्रभु, ऐसा होने दे कि प्रभु लोग प्रभु सचमुच में पूरे भक्तिभाव के साथ हम सब मिलकर प्रभु आपके सिंहासन के सामने जाएं और आपको धन्यवाद दें और आपकी आराधना करें और आपकी प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। प्रभु, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं इस समय कि प्रभु इन गीतों के जरिए से प्रभु आपके नाम की महिमा हो और आपके लोग आशीष प्राप्त करें और आपके करीब आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे तेरा लहू तेरा लहू। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू माफ करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू कुवत देता है। तेरा लहू तेरा लहू माफ करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू कुवत देता है। तेरा लहू तेरे लहू की धार से मिटते गुना और खिलते हैं फूल। तेरा लहू
तेरे लहू की धार से मिटते गुना और खिलते हैं फूल। तेरा लहू धोकर के साफ करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू माफ करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू कुवत देता है। तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू माफ करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू ढाल और किला सबकी पना मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला सबकी पना मजबूत आसरा। तेरा लहू सुकून भरता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू माफ करता है, तेरा लहू कुवत देता 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 है। प्रभु यीशु के लहू में हमारी रक्षा है, प्रभु यीशु के लहू में माफी है, प्रभु यीशु के लहू में कुवत है, ताकत है, प्रभु यीशु के लहू में सचमुच हमारी सुरक्षा है, प्रभु यीशु के लहू में हमारे पाप क्षमा होते हैं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही हमें अनंत जीवन मिलता है। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, जो उसने आज पवित्र शुक्रवार गुड फ्राइडे के दिन जो उसने क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए बहा दिया, हम उस लहू के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो आपके बलिदान के लिए। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हमारे दिलों में प्रभु आपके लहू की कीमत हम और ज्यादा हम समझ पाए, हम उसकी इज्जत कर पाए। पिता परमेश्वर प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। पिता परमेश्वर आप महान हैं और आपका प्रेम महान है, आपका दिल सागर से भी गहरा है। प्यारे परमेश्वर आपका प्रेम पर्वतों से ऊंचा है, और प्रभु आज के दिन आपका प्रेम जो क्रूस पर नजर आता है, जो सूली पर पूरा संसार देख सकता है, हम उसके लिए आपको आज धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो लोग जो इस प्रेम से प्रभु जी दूर है वो इस प्रेम को समझ सकें और आपके सामने अपने घुटनों को टिका सकें। परमेश्वर प्रभु वो लोग जो आपकी क्रूस को प्रभु जी झूठा समझते हैं, वो लोग जो आपकी क्रूस को केवल एक कहानी समझते हैं, प्रभु हम दुआ करते हैं वो लोग इस हकीकत में, इस सच्चाई में अपना विश्वास डाल सकें और अपना जीवन आपको दे सके, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर ये संसार के सब लोग प्रभु जो अंधकार में हैं और जो आपको नहीं जानते, प्रभु जिस प्रकार आपने हमारी आंखों को खोला उनकी भी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि इस जाति के लोग, धरती के सब लोग तेरे नाम की महिमा करें, तेरी स्तुति करें, तेरी तारीफ करें। परमेश्वर प्रभु हमारे सत्संग के लोग जहां जहां रहते हैं प्रभु, उनके घरों के आसपास के सब लोग प्रभु तेरी ज्योति में प्रवेश कर सकें और प्रभु अपना दिल तुझे दे सके, अपना विश्वास तुझ पे डाल सके। परमेश्वर
प्रभु हम लोगों को प्रभु जिस समय हम इस समय अलग अलग घरों में हैं, अलग अलग स्थानों में हैं, प्रभु हमें ज्योति के समान हमारे आसपास के क्षेत्र में इस्तेमाल कर। और प्रभु सचमुच हम सब मिलकर पिता परमेश्वर हम इस समय तेरे सामने आते हैं और तेरी आराधना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम दो वचन सुनेंगे, रोमियो 5 उसका 28 और पहला पत्रस उसका 3:18। हम इन वचनों को ध्यान से सुने और उसके बाद हम एक और भजन गाएंगे, यीशु सलीब पर मुआ। रोमियो की किताब उसका 5:28। पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया, जबकि हम तो पापी ही थे, किंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। पहला पत्रस 3:18 उसका 18वां वचन, क्योंकि मसीह ने भी हमारे पापों के लिए दुख उठाया, अर्थात वो जो निर्दोष था हम पापियों के लिए एक बार मर गया कि हमें परमेश्वर के समीप ले जाए। शरीर के भाव से तो वो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आइए हम ये गीत गाएं, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। नदिया वो कैसी खून की यीशु के लहू से बह गई, नदिया वो कैसी खून की यीशु के लहू से बह गई। धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग, यीशु क्रिस्त के लहू से यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। धो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को, धो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को। दिल हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज, यीशु क्रिस्त के लहू से यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सा सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, ऐसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। हम सब अपने आंखों को बंद करके और अपने सरों को झुकाकर प्रभु के सामने अपने पापों के लिए हम एक बार फिर से हम माफी को मांगे, जो पाप हमने मन वचन कर्म में किए यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर मरा और आज उसके लहू से वो एक बार फिर से हमें शुद्ध करना चाहता है। हम अपने पापों को मान लें और परमेश्वर से माफी मांगें।
पहला पत्रस उसके 2:22 से लेकर 25 में ऐसे लिखा है, उसने कोई पाप नहीं किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया और ना ही उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। जब वे अपमानित हुआ तो उसने किसी का अपमान नहीं किया। जब उसने दुख झेले तो उसने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि उस सच्चे न्याय करने वाले परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पित कर दिया। उसने क्रूस पर अपनी देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया, ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जिएं। ये उसने उन घावों के कारण ही हुआ जिससे तुम चंगे किए गए हो, क्योंकि तुम भेड़ों के समान भटक गए थे, किंतु अब तुम अपने गडरिए और तुम्हारी आत्माओं के रखवाले के पास लौट आए हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और उसने हमें आज़ाद कर दिया, ताकि अब हम धार्मिकता के लिए, नेक कामों के लिए अपना जीवन जिएं। प्रभु यीशु के क्रूस से ही हमें माफ़ी मिलती है, प्रभु यीशु के क्रूस से ही हमारे पाप धुल जाते हैं, प्रभु यीशु के क्रूस पर पहुंचने के बाद ही हमारा नया जीवन शुरू हो जाता है। आइए हम इस गीत को गाएं, जानता हूँ पहचानता हूँ, दिल से मैं अपने मानता हूँ, क्रूस पे धुलते हैं गुनाह, क्रूस से मिलती है क्षमा। जानता हूँ पहचानता हूँ, दिल से अपने मैं मानता हूँ, जानता हूँ पहचानता हूँ, दिल से अपने मैं मानता हूँ, क्रूस पे धुलते हैं गुनाह, क्रूस से मिलती है क्षमा, क्रूस पे धुलते हैं गुनाह, क्रूस से मिलती है क्षमा। खून की धारा जो कलवरी से बहती है, जब मैं देखता मेरे मन से वो कहती है, खून की धारा जो कलवरी से बहती है, जब मैं देखता मेरे मन से वो कहती है, रब का मेमना यहाँ पर हो गया कुर्बान, तेरे पापों के कारण दे दी अपनी जान, रब का मेमना यहाँ पर हो गया कुर्बान, तेरे पापों के कारण दे दी अपनी जान। जानता हूँ मैं पहचानता हूँ मैं, अपने पूरे दिल से मानता हूँ मैं, क्रूस पे धुलते हैं गुनाह, क्रूस से मिलती है क्षमा, क्रूस पे धुलते हैं गुनाह, क्रूस से मिलती है क्षमा। कैसे मैं कहूँ यीशु तुझको शुक्रिया, हमें बचाने को तूने खुद को दे दिया, कैसे मैं कहूँ यीशु तुझको शुक्रिया, हमें बचाने को तूने खुद को दे दिया, मौत को दी मात देता देखो गया हार, क्या ही खूब काम गाए महिमा बार बार, मौत को दी मात देता देखो गया हार, क्या ही खूब काम गाए महिमा बार बार। जानता हूँ मैं पहचानता हूँ मैं, अपने पूरे दिल से मानता हूँ मैं, क्रूस पे धुलते हैं गुनाह, क्रूस से मिलती
है क्षमा। क्रूस पे धुलते हैं गुनाह, क्रूस से मिलती है क्षमा। क्रूस पे धुलते हैं गुनाह, क्रूस से मिलती है क्षमा। आइए हम एक और गीत गाएं, और ये अंतिम गीत है हमारी आज की आराधना का। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से मैंने जिंदगी भी पाई है। तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। तेरे ही करम से यीशु मैंने मुक्ति पाई है, यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। तेरा प्यार कितना है इतनी मार खाई है, तेरा प्यार कितना है इतनी मार खाई है। मेरे पाप की शर्म यीशु ने उठाई है, मेरे पाप की शर्म यीशु ने उठाई है। सब कुछ लगता है नया जब से दृष्टि पाई है, यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। आज हम भले गुड फ्राइडे मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम याद कर रहे हैं, लेकिन 2020 में हमारे लिए सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह मृतक नहीं है, मरे हुए नहीं है, वो जीवित हैं। और इसलिए भले आज हम उनकी मृत्यु को मनाते हैं, लेकिन हमारे पास आशा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं रहे और वो जीवित हैं। आज वो जीवित हैं, अपने मरने के तीसरे दिन वो जीवित हो चुके हैं, और उनके जिंदा होने से हमारे जीवन में भी आशा है। आमीन, हालेलुया। आइए हम मिलकर इस आगे के गीत को गाएंगे, तेरे जिंदा होने से जिंदा आशा पाई है। तेरे जिंदा होने से जिंदा आशा पाई है, तेरे जिंदा होने से जिंदा आशा पाई है। मेरे सर पे हाथ तेरा जब निराशा आई है, मेरे सर पे हाथ तेरा जब निराशा आई है। जीवन जीने के लिए तुझसे हिम्मत पाई है, यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। तेरे ही करम से यीशु मैंने मुक्ति पाई है, यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई है, तेरे बलिदान से जिंदगी भी पाई है। हमारे इस आराधना को हम अंत करेंगे, और बहन श्वेता हमारी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक अवसर दिया पिता परमेश्वर, कि खुदावन्द राजा हम एक दूसरे के साथ
आमने सामने नहीं मिल सकते, लेकिन इस जरिए से पिता परमेश्वर एक मन होकर आपकी स्तुति आपकी आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर इस गुड फ्राइडे के दिन में पिता प्रभु जी हम आपको याद कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप इस समय उपस्थित हैं पिता प्रभु जी, और परमेश्वर हमारी सारी आराधना परमेश्वर सिर्फ आपको देते हैं। यहोवा राजा आने वाले समय में भी परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से। आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम सब अपने सरों को झुकाकर आंखें बंद करके हम प्रार्थना करें। हमारे प्रिय पिता, आज के दिन जब आपके दुख भोग को समस्त संसार की कलीसिया याद करती है, प्रभु हम भी आपके वचन में से एक बार फिर अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, और आपके वचन में से प्रभु हम अपनी जिंदगियों के लिए आज एक संदेश को प्राप्त करना चाहते हैं। आपका वचन जब बोला जाए प्रभु, आपकी शक्ति से प्रभु हमारे दिल शुद्ध हो जाएं, हमारे मन तेरी ओर केंद्रित किए जाएं, और तेरा वचन हमसे बात करे। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो आज गुड फ्राइडे है, पवित्र शुक्रवार है, और शायद हम सबकी जिंदगियों का एक सबसे अजीब सबसे अनोखा ये गुड फ्राइडे है, क्योंकि हम पूरे संसार में जो कलीसियाएं हैं सब इकट्ठी होती हैं और एक साथ मिलकर गुड फ्राइडे की विधि, गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा, गुड फ्राइडे की सर्विस सत्संग होती है, लेकिन हम इस साल 2020 में ये नहीं कर पा रहे हैं। और शायद ये हमारे जीवन काल का, हम सबके जीवन काल का सबसे अलग प्रकार का अनोखा और एक प्रकार से दुख से भरा हुआ गुड फ्राइडे है, हम जब इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले कलवरी के रास्ते में थे और क्रूस उठाकर जा रहे थे, कम से कम प्रभु यीशु मसीह के आसपास बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के सफ़र को देख रहे थे। और आज 2020 में सब अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं, लेकिन एक खुशखबरी हमारे लिए ये है कि भले धरती पूरी बंद है, लेकिन आसमान खुला है, स्वर्ग खुला है, और हम प्रभु को अपनी भक्ति चढ़ा सकते हैं, प्रभु को अपनी आराधना कर सकते हैं, और स्वर्ग अभी भी आज भी हमारी आराधना को ग्रहण करता है। इसलिए चाहे जो भी हमारे हालात हों, हम परमेश्वर के वचन को हम ज़रूर सुनना चाहते हैं, और आज परमेश्वर के वचन से हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि द सैक्रिफाइस ऑफ द शेपर्ड, चरवाहे का बलिदान और भेड़ों की जिम्मेदारी। जो चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, चरवाहे का बलिदान और रिस्पॉन्सिबिलिटी शीप की, भेड़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उसके ऊपर आज का वचन हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह को हम एक चरवाहे के रूप में हम देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। हम सब ने, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, एक प्रभु यीशु मसीह की वो तस्वीर हम सब ने देखी होगी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक भेड़ को अपने हाथों में उठाया हुआ है। हम सब और हमारे बच्चे, हम सब भजन संहिता 23 जानते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, मुझे शीतल जल के झरनों के पास वो लेके जाता है, जहां मैं आराम करता हूँ। ये भजन हम सब जानते हैं। परमेश्वर को बाइबल में एक चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहे के रूप में बाइबल में हम उनको प्रस्तुत किया हुआ देखते हैं, और गुड फ्राइडे इस चरवाहे की मृत्यु को याद करने का दिन है। गुड फ्राइडे, पवित्र शुक्रवार, ये चरवाहा प्रभु यीशु मसीह उनकी मृत्यु को, जो बलिदान, उनकी मृत्यु रूपी बलिदान को याद करने का दिन है। हम धरती पे अलग अलग प्रकार के चरवाहे हम देखते हैं, संसारिक चरवाहा। आपके मन में क्या आएगा जब आप सोचते हैं कि एक संसारिक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? एक संसारिक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए शायद अपनी नींद गवाकर उनका ध्यान रखता है, सुबह जल्दी उठ जाएगा, जरूरत पड़े तो रात में लेट सोएगा, लेकिन वो अपनी भेड़ों का नींद गवाकर अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। संसारिक चरवाहा वो समय पर अपनी भेड़ों के लिए उन्हें खाना खिलाता है, वो उनकी रक्षा करता है, वो भेड़ों की विशेष रूप से उनका ध्यान रखता है। अगर कोई किसी भेड़ को चोट लग जाए तो उसको, वो कुछ भी करेगा लेकिन उसकी उसको चंगा होने के लिए वो उसका ध्यान रखेगा, दवाई लगाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन
अधिकतर हम सब इस बात को मान लेंगे कि कोई भी संसारिक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए शायद अपनी जान नहीं देगा, अपनी भेड़ों को मरने से बचा लेगा लेकिन खुद अपनी जान शायद नहीं देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार का चरवाहा है वो संसार के चरवाहे से अलग है, क्योंकि संसार का चरवाहा जानवरों की रक्षा करता है लेकिन स्वर्गीय चरवाहा प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों की रक्षा करता है। और प्रभु यीशु मसीह संसारिक चरवाहे से कहीं बढ़कर अपनी भेड़ों की, आपकी और मेरी रक्षा करते हैं। और प्रेम दिखाने का प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह चरवाहा अपना प्रेम भेड़ों के लिए बढ़ चढ़ के दिखाता है, यहाँ तक कि अपनी जान दे देता है। और अपनी जान देकर वो भेड़ों की रक्षा करता है, भेड़ों को अपना प्रेम वो दिखाता है। गुड फ्राइडे के दिन पूरी समस्त विश्वीय कलीसिया, पूरे संसार की कलीसिया इस चरवाहे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करती है। आइए हम कुछ वचनों को देखें जिसमें हम चरवाहे का बलिदान उसके बारे में हम देखते हैं। द सैक्रिफाइस ऑफ द शेपर्ड, चरवाहे का बलिदान। यूहन्ना 10 उसके 11 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 10 उसके 11 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण त्याग देता है। प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया कि वो अच्छा चरवाहा है और फिर कहा, अच्छे चरवाहे का गुण बताया, अपना खुद का गुण बताया, वो क्या है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण त्याग देता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, ये चरवाहे का त्याग है, ये चरवाहे का प्रेम है, ये चरवाहे का बलिदान है आपके लिए कि उसने अपनी मर्जी से अपने प्राणों को आपके लिए, जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, संसार के लोगों के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं तो एक बात को ध्यान रखें, केवल उसका क्रूस पे मर जाना ही बलिदान नहीं है। अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो आप इस बात को मानेंगे कि परमेश्वर अगर स्वर्ग छोड़ दे, परमेश्वर का स्वर्ग का ग्लोरी, स्वर्ग की महिमा को छोड़ना ही अपने आप में एक बलिदान है। परमेश्वर का मनुष्य बन जाना ही अपने आप में एक बलिदान है। परमेश्वर को मनुष्य बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर अगर स्वर्ग में अपना सिंहासन छोड़ दे, अपनी महिमा छोड़ दे और मनुष्य बन जाए, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान है। परमेश्वर अगर एक कुंवारी के स्त्री के कोख में 9 महीने तक रहे, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान है। परमेश्वर अगर एक मनुष्य बन जाए और वो सब कुछ अनुभव करे जो मनुष्य अनुभव करता है, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, थक जाना, दूसरों के द्वारा सताया जाना, दूसरों के द्वारा मिसअंडरस्टूड किए जाना, दूसरों के द्वारा अपने मुंह पर थूका जाना, ये सब कुछ जो कुछ मनुष्य अनुभव करता है, आप और मैं अनुभव करते हैं, वही अनुभव करना परमेश्वर के लिए अपने आप में एक बलिदान है। लेकिन प्रभु का बलिदान केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहा कि उसने स्वर्ग छोड़ दिया, मनुष्य बन गया, आपकी तरह भूख और प्यास और थकावट को महसूस किया। इसमें प्रभु के बलिदान की सीमा को देखिए। प्रभु के बलिदान की सीमा यह है कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया है। ये प्रभु का बलिदान है। He sacrificed unto his own death, अपनी मृत्यु तक, बाइबल भी बताती है कि मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। ये इस चरवाहे की वफादारी है, ये इस चरवाहे की प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जो उसने आपसे किया है। यूहन्ना 10 के 15 में ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वैसे ही जैसे पिता मुझे जानता है और मैं भी पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। प्रभु यीशु मसीह दोबारा यहां बताते हैं, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। अगर हम यूहन्ना 10 का 17 देखेंगे तो उसमें लिखा है, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं, मैं अपना प्राण दे देता हूं। अगर हम 18 में जाएंगे, उसमें पढ़ते हैं, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूं। अपने प्राणों की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूं।
मुझे उसे देने का अधिकार भी है, फिर लेने का भी अधिकार मेरे पास है। ये आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है जान देने का, मतलब आपके पास आपकी जान किसने दी है, आपका जीवन, आपकी सांसें किसने आपको दी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह अधिकार मेरे पास है, मेरे पास अधिकार है जीवन देने का, और मैं अपना खुद का जीवन भी मैं ले सकता हूँ, मतलब मैं अपने आप को बलिदान कर सकता हूँ और खुद मैं अपने आप को जीवित भी कर सकता हूँ। इससे हम क्या सीखते हैं? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं। इस चरवाहे के अंदर एक विलिंगनेस है, इस चरवाहे के अंदर इच्छा है अपना अपना प्राण त्यागने का, आपके लिए, लोगों के लिए अपना प्राण त्यागने का। मरकुस 10:45 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं आया, लेकिन सेवा करने आया और अपना जीवन बहुतों के लिए बलिदान करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का कारण ही उनकी मृत्यु था, सेवा करना था। उन्होंने सेवा कैसे की? उन्होंने अपना जीवन देकर हमारी सेवा की। यूहन्ना 15:13 में हम एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 15:13। इससे महान प्रेम कोई और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण त्याग दे। इससे महान प्रेम कोई और नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण त्याग दे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को चरवाहा कहते हैं तो हम उनकी भेड़े हैं, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को चरवाहे से बढ़कर बताते हैं। कोई भी संसार का चरवाहा आप देख लीजिए, आप कभी भी संसार के चरवाहे को अपनी भेड़ों के साथ मित्रता करते हुए नहीं प्यार प्रेम देखेंगे, लेकिन मित्रता मतलब जब अपना दिल खोल के हम किसी को सब कुछ बताते हैं, जब अपने आप अपना सब कुछ खोल कर हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मित्रता मतलब एक घना संबंध। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में अपने आप को ना केवल हमारा चरवाहा कहा, लेकिन हमें अपना मित्र कहा, और मित्र का प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने निभाया है। उन्होंने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे, और प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ दास नहीं, मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। इसका मतलब प्रभु ने हमें अपना मित्र समझकर, हालांकि हम उसके दुश्मन थे, बाइबल बताती है हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर के बैरी हैं, परमेश्वर के दुश्मन हैं, परमेश्वर की बातें हमें नहीं भाती, परमेश्वर के अच्छे काम, उसकी आज्ञाएं हमें अच्छी नहीं लगती, और जो परमेश्वर कहता है मत करो हम वही करते हैं, और उस लिहाज से हम दुश्मन हैं। लेकिन भले ही हम परमेश्वर के दुश्मन हैं, लेकिन प्रभु ने हमसे मित्रों के समान प्रेम किया और अपनी जान हमारे लिए दे दी। चरवाहे का बलिदान, द सैक्रिफाइस ऑफ द शेपर्ड। लेकिन ये चरवाहा है कौन? ये प्रभु यीशु मसीह है कौन जिसने अपनी जान हमारे लिए दी, जिसको हम आज याद करते हैं? उसकी पहचान क्या है? उसकी आइडेंटिटी क्या है? कौन है प्रभु यीशु मसीह? हकीकत में वो कौन है? अगर हम यूहन्ना 10:33 पढ़ेंगे हम उसमें समझ लेते हैं इसका उत्तर कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। यूहन्ना 10:33 यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम अच्छे कार्य के लिए तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए भी कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। ये यहूदी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का अब पथराव करना चाहते हैं, और क्यों पथराव करना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर होने का दावा किया था। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को दर्शाते हैं, बताते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। कौन है प्रभु यीशु मसीह? कौन है ये चरवाहा? इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान क्या है? ये कोई जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये कोई धर्म गुरु, कोई बाबा, कोई शिक्षक, कोई टीचर नहीं है, ये परमेश्वर है, हूबहू परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है वो परमेश्वर है, ही इज गॉड। ये परमेश्वर है जो चरवाहा बनकर जिसने अपनी जान हमारे लिए दी। यूहन्ना 10:30 में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा आई एंड द फादर आर वन, मैं और पिता एक हैं। तो यीशु मसीह की शख्सियत क्या है? यीशु मसीह की हकीकत क्या है? यीशु मसीह की आइडेंटिटी क्या है? यीशु मसीह की पहचान क्या है? वो ये है कि वो परमेश्वर है। यूहन्ना 14:8-9 में जब फिलिप आकर के प्रभु यीशु मसीह से बात करता है तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू अब तक नहीं जानता कि अगर तूने मुझे देख लिया तो तूने पिता को देख लिया। प्रभु यीशु मसीह साफ करते हैं, इस बात को सिखाते हैं कि मैं परमेश्वर हूं,
पिता और मैं एक हैं। अगर तुम पिता को देखना चाहते हो, मतलब तुम स्वर्गीय पिता को देखना चाहते हो, यीशु मसीह बोलते हैं अगर तुमने मुझे देख लिया तुमने पिता को देख लिया। द आइडेंटिटी ऑफ द शेपर्ड, जो चरवाहा है उसकी पहचान यह है कि वो परमेश्वर है। अब तक हमने क्या सीखा? प्रभु यीशु मसीह चरवाहा बनकर भेड़ों के लिए अपनी जान को देता है। यीशु मसीह जो कि परमेश्वर है मनुष्य बन जाता है, चरवाहे के समान भेड़ों को प्रेम करता है और भेड़ों के लिए अपनी जान को दे देता है। मेरे भाइयों बहनों, आज के इस COVID-19 जो बीमारी चल गई है, इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन और ये बहुत दुख की बात है, ढेरों की, मतलब हमने ढेर लाशें हमें देखने को मिल रही हैं, टीवी पर इंटरनेट पर हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे दुखी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। सैडेस्ट डेथ इज द डेथ ऑफ जीसस। हमारे आसपास मृत्यु का माहौल है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी मृत्यु का माहौल 2000 साल पहले था, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया। सबसे दुख भरी बात प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु, यीशु मसीह ने मृत्यु को क्यों सहा, यीशु मसीह ने क्यों अपनी जान दी, यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ गया, वो अभी हम देखना चाहते हैं। द रीजंस फॉर द डेथ ऑफ द शेपर्ड, जो चरवाहा है उसकी मृत्यु के कारण क्या हैं, क्यों यीशु मसीह को मरना पड़ा। हमने तो नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह आप क्रूस पे मर जाओ। यीशु मसीह जिस समय संसार में आए, उस समय जो संसार में रह रहे थे उन लोगों ने तो नहीं कहा कि यीशु मसीह आप हमारे लिए अपनी जान दे दो क्रूस पर। बल्कि जब यीशु ने कहा मैं देने जा रहा हूं अपनी जान, तो लोगों ने रोका यीशु मसीह को, नहीं यीशु मसीह आप नहीं मरेंगे, आप क्यों अपनी जान देंगे। उल्टा ऐसा लोगों ने कहा, उनके अपने लोगों ने कहा। तो यीशु मसीह क्यों अपनी जान क्रूस पे देता है, व्हाट आर द रीजंस। और यूहन्ना 10, आज का जो वचन है पूरा तकरीबन यूहन्ना 10 से लिया हुआ है, और यूहन्ना 10 के 16 में हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों से पता चलता है क्यों वो क्रूस पे मरते हैं। वो कहते हैं मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला में नहीं है। मतलब प्रभु यीशु मसीह इज़राइल की बात कर रहे हैं कि इज़राइल में से कुछ लोग हैं जो मेरे हैं, लेकिन मेरे लोग केवल इज़राइल में नहीं हैं, मेरे लोग पूरे दुनिया में हैं। यीशु मसीह, ध्यान से सुनिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने मरने के पहले, अपनी मृत्यु के विषय में। वो कह रहे हैं मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला में नहीं हैं, मुझे उनको भी लाना है, वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, तब उनका एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। ये बहुत बहुत ध्यान से मनन करने वाली बात है। हम 2020 में बैठे हैं, 2020 में अब हम गुड़गांव दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन 2020 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह जब इस कथन को, इस वचन को जब वो बोल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के मन में आप थे, प्रभु यीशु मसीह के मन में गुड़गांव दिल्ली में बैठे हुए लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के मन में इज़राइल के बाहर जो समस्त इतना बड़ा संसार है और जो लोग हैं और आने वाले सब युगों के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने मन में ये बातों को रख रहे थे और कह रहे थे मेरी और भी भेड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में पैदा हुए, इज़राइली वो थे, और इज़राइल में से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, पर प्रभु ने कहा मेरी और भी भेड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात एक बहुत ही अद्भुत बात संपन्न हुई और संभव हुई, और वो ये थी कि धरती के कोने कोने से अलग अलग जातियों के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का कारण ये था कि प्रभु परमेश्वर की संतानें जो जगह जगह पर जो भटकी हुई हैं उन सबको इकट्ठा करना, टू गैदर द स्कैटर्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान जो पूरे विश्व में जो फैली हुई हैं उनको इकट्ठा करना, परमेश्वर के लिए एक राजघराना तैयार करना, परमेश्वर के लिए एक बड़ा परिवार तैयार करना, परमेश्वर की भेड़ों को इकट्ठा करना, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। यूहन्ना 11 उसके 50 वचन को हम देखते हैं, यूहन्ना 11 उसका 50 वचन। न इस बात को समझते हो कि यह उत्तम है कि एक व्यक्ति हमारे लोगों के लिए मर सके, इसकी अपेक्षा कि समस्त जाति नष्ट हो जाए। परंतु ये उसने अपने आप नहीं कहा, पर उस वर्ष का महायाजक होते हुए भविष्यवाणी की कि यीशु अपनी जाति के लिए मरेगा
न केवल अपनी जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक करे। यीशु मसीह की तितर बितर संतानें, मतलब यीशु मसीह इस समय इज़राइल में है जब यीशु मसीह वचन बोल रहे हैं, लेकिन उस समय ये भविष्यवाणी की गई कि आने वाले युगों में, आने वाले सालों में, आने वाली सदियों में, दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर जो लोग, जो परमेश्वर ने अपने लिए चुने हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के मुक्तिदाता हैं। प्रभु यीशु मसीह सब धर्मों के ऊपर राज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सब जातियों, सब कौमों के ऊपर राज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों पर राज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की दुनिया की हर संस्कृति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह शासन करते हैं। हर प्रकार के, हर जाति के लोगों, हर कौम के लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, और उनमें से अपनी चुने हुए लोग इकट्ठा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का होना जरूरी था। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरे ताकि हमारे पापों को वो उठा ले अपने ऊपर, और हमारा कर्जा वो अपनी मृत्यु के जरिए से वो पूरा कर दें। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारी सजा है जो उसने अपने ऊपर ले ली है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु ले ली ताकि हम प्रभु का जीवन जी सकें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु अपने ऊपर ले ली ताकि उनका जीवन हम जी सकें, अनंत जीवन हम जी सकें। मरना हमें था, लेकिन यीशु मसीह हमारी खातिर मरा। मरना क्रूस पे हमें था, लेकिन क्रूस पे हमारा स्थान प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। गुड फ्राइडे, पवित्र शुक्रवार, परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु है ताकि परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। गुड फ्राइडे इज द डेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड सो दैट मेनी ऑफ अस हियर ऑन अर्थ कैन बिकम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। गुड फ्राइडे परमेश्वर के पुत्र का मृत्यु का दिन है, पर यह इसलिए हुआ ताकि आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और अगर आप प्रभु यीशु मसीह की इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, तो आप इस सत्य पर विश्वास करने के माध्यम से परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन चुके हैं। ये तो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रेम जो उसने हमारे लिए दिखाया और अपने आप को दे दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारी जिम्मेदारी की, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शीप। भेड़ों की क्या जिम्मेदारी है? वो भेड़ जिसके लिए चरवाहा मर गया, तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी यूहन्ना 10 के 9 में हम पढ़ते हैं क्या है हमारी जिम्मेदारी। 10 का 9, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। उद्धार पाने का एकमात्र तरीका प्रभु यीशु मसीह हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, करते हैं, उद्धार आपका है, पर आपकी जिम्मेदारी क्या है? इस उद्धार को पकड़े रहें, इस उद्धार को थामे रहें, इस उद्धार को, मुक्ति जो प्रभु ने आपको दी है, माफी जो प्रभु ने आपको दी है, जीवन जो आपको प्रभु ने दिया है, उसको पकड़े रहो भाइयों बहनों, उससे भटकना नहीं है। अपने उद्धार को थामे रहो और अपना रास्ता नहीं भटकना, अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रहो। खास तौर पे इन अंधकार के दिनों में, जब हम एक प्रभु के भवन में एक छत पे के नीचे इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं, अपने उद्धार को थामे रहो। अपने अपने घरों में कैद हो, लेकिन अपने उद्धार को थामे रहो, अपने उद्धार का आनंद मनाओ। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के लिए उनको धन्यवाद दीजिए, और वो दिन कभी ना भूले जब वो हमारे लिए मरा। आपकी दूसरी जिम्मेदारी क्या है? 10 के 14 में हम पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं सवाल आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जानते हैं? पिछले साल गुड फ्राइडे मनाया था, इस साल गुड फ्राइडे, एक साल के बाद क्या आपका प्रभु के बारे में नॉलेज और ज्ञान क्या बड़ा है? क्या आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह से और गहरा हुआ है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शेपर्ड इज टू नो जीसस डीपली। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शेपर्ड, The responsibility of the sheep is to know Jesus deeply. मेरे भाइयों बहनों,
ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है कि हम अपने आत्माओं की जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि अब क्या पता कितने महीनों के लिए कलीसिया में हम आ नहीं सकते, क्या पता कितने महीनों के लिए कलीसिया के पास्टर और अगुवे लोग आपके घरों में आ नहीं सकते। ये समय है भाइयों बहनों अपनी अपनी आत्मिक जीवन के लिए खुद जिम्मेदारी उठाने का, ये समय है अपने अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के साथ और गहरा करें। जो पिता है घर के, जो जो मुखिया हैं, सारे जो मुझे सुनने वाले जो फादर्स हैं, जो जो घर के मुखिया हैं, जो बाप हैं, ये समय है कि आप अपने घर की आत्मिक जिम्मेदारी उठाएं और अपने अपने परिवार को, अपने बीवी और बच्चों को परमेश्वर के रास्ते में आप आगे बढ़ाएं। माता पिता, ये समय है कि आप, अब संडे स्कूल नहीं रहा, अब बहुत महीनों तक शायद संडे स्कूल नहीं मिलेगा, ये समय है माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाने का, ये समय है। ये है असली गुड फ्राइडे। अगर आज आप मनाना चाहते हैं, अपनी आत्माओं की जिम्मेदारी उठाएं और अपने घर में आत्मिक माहौल बनाएं। माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर का रास्ता दिखाने के लिए कष्ट करें। नौजवान लोग, ये समय है जब अंधकार का समय है, जब हम इकट्ठे नहीं हो सकते, जब जब कलीसिया पे ताला लग चुका है, जब बिल्डिंग बंद है, लेकिन ये समय है नौजवानों कि आप अपनी जवानी और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने का, ये समय है। ये समय है वो परमेश्वर जो गुप्त में आपको देख रहा है, क्या वो आपको देखकर आज प्रसन्न है? क्या वो परमेश्वर आज जो गुप्त में आपके हरेक कार्य को देखता है, क्या उसके मन को आनंद मिलता है आपको देखकर? के नौजवानों, ये समय है अपनी अपने जीवन में पवित्र हो जाने का, परमेश्वर के नज़दीक हो जाने का, अपने पापों को छोड़ करके अपने सारे गुण, अपने सारी कला, अपने सारा समय परमेश्वर को जानने में लगाने का, ये समय है। यूहन्ना 10:3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। प्यारी भेड़ें, आप और मैं, चरवाहा हमारे लिए मर गया और उसने हमें उद्धार दे दिया, बट हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी कि हम उसकी आवाज को सुने, और उसकी आवाज को हम मुख्य रूप से बाइबल पढ़ने के द्वारा सुनते हैं। क्या आपके जीवन में बाइबल है? क्या आपके जीवन में वचन अंदर जा रहा है? क्या वचन पढ़ने के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने का यह भी मतलब है कि जो वो कहता है वो करना है। क्या आप वो कर रहे हैं? आर यू ओबीडियंट? क्या आप आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के कमांड्स के लिए? क्या आप आज्ञा मानते हैं परमेश्वर की? ये आपको जवाब देना है। यूहन्ना 10:4 में हम पढ़ते हैं कि मेरी भेड़ें इकट्ठा एक साथ मेरे पीछे चलती हैं, मतलब कलीसिया के साथ जुड़कर, कलीसिया के साथ बने रहकर परमेश्वर का अनुसरण करना। फिर से हमारे माहौल के लिए एक सोचने की बात है, हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद है, मिलजुल नहीं सकते, लेकिन क्या आप कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं? क्या आपकी आत्मा कलीसिया के साथ जुड़ी हुई है? क्योंकि प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और सब एक झुंड बनाकर मेरे पीछे चलती हैं। आपका मसीही जीवन अकेले का जीवन नहीं है, एक झुंड के साथ आप जुड़े हुए हैं, एक कलीसिया के साथ आप जुड़े हुए हैं, यीशु नाम सत्संग के साथ आप जुड़े हुए हैं। क्या आप कलीसिया के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं? क्या आपकी आत्मा, क्या आप आत्मिक एकता में हैं कलीसिया के साथ, और क्या आप प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है। और 10:16 के अनुसार हमें, अब हम एक विश्वीय कलीसिया के सदस्य हैं और उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और ये सौभाग्य है हमारा कि हम एक इतनी बड़ी, पूरे संसार में जो प्रभु का परिवार है उसका हम सदस्य हैं, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है कि अपनी विश्वीय कलीसिया का के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का राज्य बढ़े इसके लिए हम प्रार्थना करें, पूरे विश्व में जो प्रभु की कलीसिया है वो मजबूत हो, प्रार्थना में लगी हुई हो, वचन में मजबूत हो, पवित्र हो, भले कामों में सक्रिय हो, इन सारी चीज़ों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, पूरे संसार की कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, हमारे लिए इनाम भी है। और हम अंत करेंगे, द रिवॉर्ड फॉर द शीप, जो भेड़े हैं उनके लिए एक इनाम है। और यूहन्ना 10 उसके 28 और 29 में हम इस इनाम के विषय में पढ़ते हैं। यूहन्ना 10 उसके 28 और 29 में हम इस इनाम के बारे में पढ़ते हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होंगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई छीन नहीं पाएगा।
आज इस गुड फ्राइडे पर पवित्र शुक्रवार में आप सबके लिए खुशखबरी की बात यही है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो मनुष्य बना, चरवाहे का रूप लिया, दास का रूप लिया और भेड़ों के लिए अपनी जान को दे दिया। जब भेड़ों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, भेड़ों को अनंत जीवन मिला। और प्रभु का प्रेम हमारे लिए इतना है, वो ये है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नाश ना होंगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। ये आपका इनाम है भाइयों बहनों, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन एंड इटर्नल सिक्योरिटी, अनंत सुरक्षा प्रभु ने आपको दी है। कोई भी चीज़ आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जिस महामारी में हम जी रहे हैं, ये महामारी भी अगर हमारी जान ले भी ले, लेकिन ये महामारी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। आज हम सबको ये भी याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु हमारी शारीरिक मृत्यु को भी इशारा करती है। अगर प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप से मरना पड़ा, ये हमें याद दिलाता है हमें भी शारीरिक रूप से मरना है, हमें भी मृत्यु का सामना करना है, हमें भी इस संसार को छोड़कर एक दिन हमें यहाँ से जाना है। लेकिन अगर हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा कर चुके हैं, तो हमारी शारीरिक मृत्यु केवल अनंत काल, जो हमारा अनंत काल में प्रवेश करने का केवल एक घटना होगी। इनफैक्ट बाइबल तो ये बताती है, प्रभु को जानना अनंत जीवन है। मतलब जिस क्षण, जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उस समय आपका अनंत जीवन शुरू हो गया। लेकिन शारीरिक मृत्यु का सामना तो हमें करना है, ये धरती छोड़कर तो हमें जाना है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का फायदा हम उठा रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का, जिस कारण के लिए वो मरा क्रूस पर हमें अनंत जीवन देने के लिए, क्या हमने वो अनंत जीवन पा लिया है? और अगर हमने अनंत जीवन पा लिया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और अपना पश्चाताप करने के द्वारा, अगर हमने अनंत जीवन पा लिया है, क्या हम उस अनंत जीवन में जोश के साथ जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम कलीसिया को प्रेम करते हैं? क्या हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम पवित्र जीवन जीते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना संबंध गहरा करते जाते हैं? क्या हम अपने आत्मिक जीवन को लेकर गंभीर हैं? क्या हम पाप से नफरत करते हैं? कहीं हम पापियों की मंडली में बैठ कर कहीं हम ठट्ठा तो नहीं करते? कहीं हमारा जीवन सामने कुछ और पीछे कुछ और तो नहीं है? ये सारे सवाल हैं जो आज आपको पूछने हैं। प्रभु यीशु मसीह मरा ताकि हम धार्मिकता का जीवन जी सके। मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे आज मनन करें कि प्रभु यीशु मसीह जो सचमुच जो परमेश्वर है, हूबहू जो परमेश्वर है, वो आपके लिए मारा गया और वो उसके मर जाने से सचमुच उसने हमें अनंत जीवन दिया है। और खुशखबरी की बात यह है, भले ही आज हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को मनाते हैं, लेकिन जैसे हमने वचन पढ़ा, मैं स्वयं अपना जीवन देता हूं और स्वयं अपना जीवन वापस भी ले लेता हूं। आज हम गुड फ्राइडे की सर्विस को मना रहे हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं, लेकिन दो दिन के बाद हम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जीवित होने को हम याद करेंगे, क्योंकि प्रभु मरे हुए नहीं हैं, वो जीवित हैं, वो जिंदा हैं। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि अगर वो नहीं मरते हम जी नहीं सकते। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान ना दी होती, हम अनंत जीवन की आशा और कामना नहीं कर सकते थे। प्रभु का हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने, जो हमारा चरवाहा है, भेड़ों के लिए अपनी जान बलिदान की है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह की। अभी हम सब प्रभु भोज में भाग लेंगे, प्रभु की मेज़ में हम सब हिस्सा लेंगे। आप सबको, जैसे मैंने बताया था, आप सब ने अपने अपने घरों में जितने लोग हैं उतने टुकड़े रोटियों के आपने प्रबंध किए होंगे, और पानी या जूस या कोई चीज़ आपने अपने पास रखी होगी, आप सब अभी उसको अपने हाथों में ले सकते हैं। और हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपका शरीर जो हमारे लिए प्रभु जी बलिदान किया गया, आपका लहू जो हमारे लिए बहाया गया, सचमुच प्रभु हम उसकी बहुत कद्र करते हैं, और हम इस समय आपकी मेज़ में भाग लेकर, जिसका आपने हमें आदेश दिया है, हम प्रभु आपके शरीर और आपके लहू के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं।
प्रभु अदब के साथ इसे करने के लिए हमारी सहायता कर। और जब हम ये करते हैं प्रभु, सचमुच तेरी आशीष तेरे लोगों को प्राप्त हो, तेरी शांति तेरे लोगों को प्राप्त हो। प्रभु इसमें भाग लेने के द्वारा हमारा मन प्रभु जी और गहराई में हम तुझसे प्रेम करने वाले हो जाएं, पाप से नफरत करने वाले हो जाएं। प्रभु हम भेड़ों के समान सचमुच तेरे पीछे चलने वाले हो जाएं, तेरी आवाज़ सुनने वाले हो जाएं, तेरी आज्ञा मानने वाले हो जाएं, तेरी कलीसिया को प्रेम करने वाले हो जाएं, पवित्र जीवन जीने वाले लोग बन जाएं और लोगों की प्रभु जी समस्याओं का हल इनको मिलने पाए, बीमार लोग चंगाई पाने पाए। प्रभु जो अपनी ज़िंदगी में परेशान है, दुखी हैं, उन्हें शांति मिले और तू उन्हें उनकी ज़िंदगियों के लिए बुद्धि प्रदान कर, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस पूरे विधि को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पे तेरा हाथ हो, इस पे तेरी आशीष हो और प्रभु सचमुच तेरे लोग बरकत पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वो मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, उसने धन्यवाद देकर रोटी को तोड़ा और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलिदान किया जाएगा, मेरी याद में यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने ये कहते हुए कटोरा भी लिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु वापस ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इस समय आप सब अपने मनों को आप शांत करें, अपनी आंखें बंद करें, एक बार फिर अपने पापों के लिए माफी मांगें, प्रभु के बलिदान पर विश्वास करें, प्रभु के प्रेम पर विश्वास करें और इस बात को मनन करें कि उसने आपके पापों के लिए अपना जीवन दे दिया। प्रभु से माफी मांगें और प्रभु की मेज में भाग लेने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आपके लोग जब आपसे माफी मांगते हैं, धन्यवाद कि आप माफ करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपकी शांति आपके लोगों को मिले, पवित्र आत्मा की शक्ति पवित्र जीवन जीने के लिए आपके लोगों को मिले। प्रभु आपके लोगों को आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। जो रोटी आप लोगों ने अपने घरों में तैयार की है, अगर आपके घर में दो लोग हैं, तीन लोग हैं जो प्रभु भोज ले सकते हैं, तो वही लोग उस रोटी में से इस समय खा सकते हैं, प्रभु की देह के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। अभी आप सब जो भी आपने प्याले में तैयार किया है, हम सब उसको एक साथ पीकर प्रभु के लहू के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रभु आपकी देह के लोग आपकी भेड़ें प्रभु जबकि इस समय आज अलग अलग घरों में हैं प्रभु, लेकिन धन्यवाद कि आपकी आत्मा में हम एक सूत्र में बंधे हैं विश्वास के द्वारा, क्योंकि हमारा एक ही प्रभु है, हम एक झुंड के लोग हैं। धन्यवाद प्रभु कि हम इसमें भाग ले पाए हैं और प्रभु सचमुच जो आपकी इच्छा है हमारे जीवन के लिए वो पूरी हो जाए। और साथ ही साथ हम इस समय एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं अपने पूरे संसार के लिए प्रभु, कि प्रभु इस बीमारी का कहर
प्रभु तू इस संसार पर से उठा ले और लोगों को बचा ले प्रभु, और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर। प्रभु तेरा हाथ लोगों के ऊपर हो और प्रभु जी तमाम दुख, इस बीमारी का दुख इस संसार से उठा लिया जाए, और प्रभु लोग तेरे डर भय में जीने वाले हो जाएं। तू रहम कर, तू दया कर प्रभु, और अपने लोगों को शांति दे। प्रभु हमारी कलीसिया में अगर कोई लोग बीमार हैं, किसी भी बात से चिंतित हैं, प्रभु आप उन्हें राहत दें, उन्हें शांति दें, उन्हें चंगाई दें और उन्हें आनंद से भरें। प्रभु धन्यवाद कि हम इस मेज में भाग ले पाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हमारी गुड फ्राइडे की पवित्र शुक्रवार की सभा का ये अंत है और अंतिम गीत हम सब मिलकर गाएंगे, मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा ही लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया। हम सब अगर आप कर सकते हैं तो हम सब अपने अपने घरों में इस समय जहां बैठे वहां खड़े हो जाएं, सब मिलकर खड़े होकर हम इस गीत को गाएंगे। अंतिम गीत है और इस गीत में आशा बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह ने कब्र का बंधन खोल दिया है, मृत्यु का बंधन तोड़ दिया है, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान हमारा पुनरुत्थान है, हमारा उद्धार है, हमारी आशा है, हमारा आनंद है। इसलिए हम मिलकर अपने अपने घरों में हम सब खड़े हो जाएं और आनंद के साथ हमारे मेरे और श्वेता बहन के साथ इस गीत को हम सब मिलकर गाएं, मेरे गुनाहों का बोझ। गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा ही लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया, अपने को दे दिया। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा ही लिया, उसने मेरे लिए दे दिया, अपने को दे दिया। शैतान के बंधन में मैं था फंसा, पाप के बंधन में मैं था फंसा, शैतान के बंधन में मैं था फंसा, पाप के बंधन में मैं था फंसा। मेरे मसीह के द्वारा मैंने विजय पाई है, मेरे मसीह के द्वारा मैंने विजय पाई है। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा ही लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया, अपने को दे दिया। कब्र का बंधन उसने तोड़ा है, मौत का बंधन उसने तोड़ा है, कब्र का बंधन उसने तोड़ा है, मौत का बंधन उसने तोड़ा है। उसके लहू के द्वारा मैंने विजय पाई है, उसके लहू के द्वारा मैंने विजय पाई है। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा ही लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया, अपने को दे दिया, अपने को दे दिया, अपने को दे दिया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु की आशीष लेकर हम आज की सर्विस को हम खत्म करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप इन तमाम सुनने वाले लोगों पे अपना हाथ रखें, इन्हें अपनी बरकत दें, इन्हें संभालें प्रभु, इन्हें आप बीमारी से बचाएं, और आपका हाथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक आपके लोगों पर बना रहे, आमीन। जय मसीह की।